Hindi, Urdu, whatever. आज हमारे कमिश्नर टास्क फोर्स के नॉर्थ जोन टास्क फोर्स नागेश राव इंस्पेक्टर के नेतृत्व में राधाकिशन राव साहब डीसीपी साहब के गाइडेंस लेते हुए इनके एसआई श्रवण कुमार चंद्रशेखर रेड्डी रवि श्रीकांत और इनके टीम आज बहुत मेहनत करके कामारेड्डी में जो चोरी हुए पिछला महीना 27 तारीख को जो चोरी हुए तीन पुरातन मूर्तियां एक वेणुगोपाल स्वामी रुक्मिणी और सत्यभामा इन पुरातन मूर्तियां आज जब्त किए करते हुए दो अक्यूज्ड शेख हैदर शेख अजीज इनको अरेस्ट करना हुआ। ये दोनों कट्टी टुगाव और बल्लियल विलेज जो बल्की तालुका बीदर जिला में आता है कर्नाटका वहाँ के हैं। इन लोग लगातार ऐसे चोरियां करते रहे। नवंबर 2017 में हिंगोली पीएस औरंगाबाद में महावीर स्वामी का एक मूर्ति का चोरी हुआ जिसमें इन लोग एक्यूज थे। और किल्लारी पीएस लातूर जिला में नवंबर दिसंबर में ये चोरियां हुए। इसमें इन दोनों क्राइम्स में इन लोग एक्यूज रहे। तो साथ साथ ये वन हैदर 2016 से पुलिस रिकॉर्ड्स में है, खास करके कर्नाटका में तीन चोरियों में एक्यूज था। एक जामकंडी पीएस, एक बनहट्टी पीएस, मुदोल पीएस, बगलकोट और बीजापुर जिलाओं के क्राइम्स में एक्यूज था। और इनसे जो जब्त किए मूर्तियों का मार्केट वैल्यू तकरीबन 3 करोड़ का है। इन लोग क्या करते, चोरी करने के बाद हैदराबाद आ जाते, हैदराबाद में किसी होटल में रहते हुए एजेंट्स ब्रोकर्स को दूसरे शहरों से बुलाते, उन लोग आके इनका बार्गेन होता, बार्गेन होके पूरा दाम नहीं दिया जाता उनको, शायद एक फ्रैक्शन इसका पूरा दाम में एक फ्रैक्शन दिया जाता, बाकी ब्रोकर लोग जो हैं इन लोगों से जो खरीदते हैं वो बाहर लेके जाके इनको नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में इनका मार्केट वैल्यू लेते हुए इनका सेल करते हैं, वैसा इनका एमओ। चोरी करने से पहले इन लोग थोड़ा रेकी करते अपना गांव में या टाउन में आके जहाँ भी पंचलोह विग्रह ये मूर्तियाँ मिलते हैं टेम्पल्स में, जहाँ होते जहाँ नहीं होते इस तरह का समाचार लेते हुए उन लोग रेकी करके बाद में चोरी करते। चोरी करते वक्त ताला नहीं तो जो भी लैच उसको ब्रेक करने के लिए आयरन रॉड्स, छोटे छोटे आयरन रॉड्स यूज़ करते हैं, ये इनका एमओ में एक पार्ट है। और चोरी करने के बाद इमिडिएटली इनको लेके यूजुअली कर्नाटका चले जाते, बाद में जब बार्गेन करना हो हैदराबाद में आके बार्गेन होता है इसका, इस तरह का। और एक क्राइम इन्वेस्टिगेट करने में, डिटेक्ट करने में कामारेड्डी एसपी और इनके टीम हमारे साथ रहे, एक जॉइंट ऑपरेशन रहा, पूरी तरह से एक जॉइंट ऑपरेशन रहा। हमारे डीसीपी टास्क फोर्स और इनका टीम का एक बहुत अच्छा योगदान रहा, इनके लिए मैं उनको अभिनंदन करता हूँ।